माता की योगी जी सरोसन का जिंदाबाद जिंदाबाद योगी जी सरोसन का जिंदाबाद जिंदाबाद महेंद्र की सरोसन का जिंदाबाद जिंदाबाद योगी जी महेंद्र की जिंदाबाद जिंदाबाद योगी जी महेंद्र की जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए इधर पीछे चलिए पीछे चलिए भैया 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 बैठ जा भैया बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। कन्नौर तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद निधन हुआ है। पूरा देश अपने इन सैन्य अधिकारियों को उनकी देश के प्रति सेवाओं के प्रति नमन कर रहा है, अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। हम लोग उत्तर प्रदेश में भी इन्हीं कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के दो सैन्य अधिकारी जनरल रावत जी के साथ में थे। विंग कमांडर वरुण सिंह गंभीर रूप से हादसे में घायल हुए हैं और उनका उपचार चल रहा है और आगरा के निवासी सैन्य अधिकारी श्री पृथ्वी सिंह चौहान इस दुर्घटना में शहीद हुए हैं। मैंने दोनों जनपदों के अपने अधिकारियों से कहा है कि वहां पर शोक संतप्त परिजनों से मिलकर के वे प्रदेश सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करें और हमारे सीनियर मंत्रीगण और बाद में मैं भी शोक संतप्त परिवार वर्जनों से मिलूंगा। मेरा पूर्व निश्चित कार्यक्रम यहां पर था। परसों प्रधानमंत्री मोदी जी का बहराइच से लेकर के गोरखपुर तक 9 जनपदों को जोड़ने वाली सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के लोकार्पण का एक कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम हम लोगों ने बलरामपुर जनपद में रखा है। यद्यपि यह योजना 1972 में बन गई थी और कार्य 1978 में प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक रूप से देवपाटन कमिश्नरी के ही 2-3 जनपदों में योजना बननी थी। 1982 में इसको विस्तार दिया गया और इसे 9 जनपदों तक फैलाया गया। से 2017 तक 40 वर्षों में इस पूरी योजना पर केवल 52% कार्य हो पाया था। शेष कार्य लगभग 48% कार्य 2017 से 2021 के बीच में हुआ है।